सो चेक दिस आउट गाइज, ऐसा कुछ है भाई। मेरे को लगा सिर्फ ना सहरे फ्रेम करवाए हैं, मेनली जिस पे लिखवाया था भाई राधे की दुल्हनिया, सो ये वाला भी ना फ्रेम करवा लिया। लिटरली भाई काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की चीज़ लग रही है, एंड नो डाउट यार ऐसी पहली बार देख रहा हूँ मैं तो यार। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी सीन ऐसे फिलहाल टाइम हो चुका भाई 10:30 हो चुके हैं, और मैं थोड़ी देर पहले उठ के मस्त मुंह वगैरह धो के एंड फ्रेश अप हो चुका हूँ। सो राइट नाउ मैं निकल रहा हूँ भाई नितिन के पास में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ना कुछ काम चल रहा है वीडियोज़ पर, सो दैट्स वाई हमको ना मिल के ना उसके प्लानिंग वगैरह करनी है। सो अभी मेरे पास टाइम था, मैं जाता हूँ। सो भाई फिलहाल ना दीदी जाने के लिए ना तैयारी कर रही है, एंड जो भी घर से जो साड़ी वगैरह जो लेके जाते होते हैं ससुराल, सो मेनली उसके ना बिना पैकिंग कर रही है। ये तो भाई साड़ी पे साड़ी निकाली जा रही है, इतनी कितनी साड़ी लेके जा रही है भाई। तीन साड़ियाँ और अंदर पड़ी है, लाके दोगे? तीन साड़ियाँ और अंदर अभी? हाँ, और दो सूट और अंदर है। क्या बात, वहाँ दुकान खोलनी है क्या आपने? अभी और भी है जो मैं कल लेके आई हूँ, वो भी दे दो। शॉपिंग करके आई हो जो आप? हाँ। ये देख लो भाई जितना जितना ये पूरा कारोबार फैला हुआ ना, सारा दीदी का है। सो हो गया पैकिंग? अच्छा, दो दिन पैकिंग चलेगी अभी ना? चार दिन। अच्छा, जब तक निकलोगे तब तक चलती रहेगी, राइट? हाँ। फिर हम वापस आ जाएंगे गाइस, अगर कुछ भूल गए इसी बहाने और कुछ मिल गया। हाँ, बड़े तेज हो रहे हो भाई। जो भी मेनली साड़ी वगैरह वो पैक कर रही है। सो भाई उसके बाद मैं ना नितिन के पास जाके आ चुका था, एंड खाना भी खा लिया, एंड अभी कोई आया है आपको मिलवाता हूँ भाई। मतलब कि काफी टाइम के बाद मिलेंगे हम, मतलब मिल लिए, आपको मिलवाता हूँ अब। चेक दिस आउट गाइस, ये गोरी ब्रदर। और भाई साहब कैसे हो? बढ़िया बढ़िया यार, आपने तो मिलना छोड़ दिया इसलिए हमने सोचा हम ही मिलने आए। अरे अरे भाई यार, आप यार एक बात बताओ, आप घर में बिजी हो? पहली बात हो ना, गुरी घर पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दैट्स व्हाई ये मतलब आना जाना नहीं बन पा रहा, ना ये आ पा रहा ना मैं जा पा रहा, फिर भी टाइम निकाल के आया। अरे थैंक यू भाई, उसके लिए थैंक यू ना, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरी जिसको भी फोन करना ना भाई, फोन करते ही बोलते हैं भाई कैसे हो भाई जान। तो मेरे पास फोन आया ना, मैं बोल दिया भाई मकसद नहीं बोलना भाई जान, और फिर से कॉल लगाओ भाई, सीधा ही बोला कैसे हो भाई जान। सो भाई फिलहाल टाइम हो चुका भाई 6 बज चुके हैं शाम के। सो जो गोरी था ना उसके बाद जा चुका था, देन भाई मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। सो अभी थोड़ी देर पहले ही मस्त नहा के रेडी हो चुका हूँ। सो जो सहरे होते हैं ना जो सर पे बांधते हैं मेनली दुल्हे दुल्हन, सो भाई उनको ना फ्रेम करवाया भाई। सो ना काफी प्यारे लग रहे हैं, उनकी फोटो दीदी ने दिखाई थी, सो वो लेके आना, वो रेडी हो चुके हैं, तो पास में शॉप पे चलेंगे। सो भाई फिलहाल पिंकू तो बना रही है चाय, ऑलमोस्ट ना दीदी ने भी ना प्रिपरेशन कर लिया भाई जाने के लिए ससुराल में। सो अभी नहीं, शायद 3-4 दिनों में जाएगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की। अरे ढंग से बोला ही नहीं, ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, तेरे बाप का। तू वो खा गई आग तेरे बाप की। हाँ हाँ ना, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। सो भाई ये डायलॉग है आदि पुरुष मूवी में हनुमान जी का डायलॉग, बाकी कह रहे हैं जो ये वाला डायलॉग है ना आग तेरे बाप की, इसमें भाई जो ना थोड़ा ना चेंज किया है, इसमें भाई बाप की जगह लंका कर दिया, आग तेरे लंका की और कपड़ा तेरे लंका का, ऐसा कुछ कर दिया है। सो वो अभी आया है, सो बस एक ही डायलॉग चेंज किया है यार मेरे हिसाब से, तो भाई पूरी मूवी में काफ़ी चेंजेस की जरूरत है, एंड हमारा प्लान बन रहा जाने का, बट मन से तो जा नहीं रहे। सो भाई फिलहाल चाय आ चुकी है और नमकीन में है भुजिया। सो लेट्स गो गाइस, निकलते हैं शॉप पर, भैया से बात हो चुकी है, वो शॉप पे आ चुके हैं। अभी निकल रहा हूँ भाई गौरव के पास, गौरव का नाम लिया और ये चांद हाजिर इस शॉप पे भी आ चुके हैं। और भैया कैसे हो? सो चेक दिस आउट गाइज, ऐसा कुछ है भाई, मेरे को लगा सिर्फ ना सहरे फ्रेम करवाए हैं, बाकी जो ये वाला मेनली जिस पे लिखवाया था भाई राधे की दुल्हनिया, सो ये वाला भी ना फ्रेम करवा लिया। लिटरली भाई काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की चीज़ लग रही है, एंड नो डाउट यार ऐसी पहली बार देख रहा हूँ मैं तो यार, सो काफ़ी प्यारी लग रही है। और आपको कैसी लग रही है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। पहली बार करवाया होगा ना ऐसा कुछ किसी ने? ये चीज़ पहली बार करवाया। अच्छा, एंड ये सहरे वाला? ये तो होते रहता है, होते रहता है। अच्छा, सो दोनों चीज़ बेस्ट है, एंड नो डाउट यार इनको कैरी करने में काफ़ी दिक्कत आएंगी, अगर दीदी लेके जाएगी ना ससुराल में कैरी करने में दिक्कत आएगी बस, बाकी ये वाले बीच में काफ़ी अच्छी फोटो है यार, एंड ये सहरे हैं, सहरे भी काफ़ी प्यारे हैं यार। एंड गाइस ये चेक करो भाई, दो साथ में ना ये हाथ पे बांधने वाले हैं या पता नहीं पैर पे बांधने वाले हैं, ये मेरे को पता नहीं है, घर पे जाके दीदी बताएगी। सो इनको ना रैप करवाते हैं न्यूज़पेपर में, देन लेके चलते हैं भाई इनको। बट दीदी ने बोला है कि रैप मत करवाइयो क्योंकि दीदी को भी देखना था। बाकी काफ़ी सामान है भैया के पास, एंड बाहर से कुछ ऐसा है, एंड यहाँ से कुछ ऐसा है भाई। सो ये मोहल्ले में ही है कृष्णा फोटोग्राफी। वैसे गाइस ये वाली चीज़ ना काफ़ी सॉलिड है, घुमा के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, पीछे से ऐसे है भाई टांगने वाला, दोनों साइड हुक है,
एंड इसका ऐसे है भाई। वैसे गौरव अपन ना इतना शूट करते हैं, इतनी वीडियो बनाते हैं एंड इधर पूरे स्टूडियो में अपनी एक ही फोटो नहीं है भाई, तो कम से कम ऐसा तो कुछ करना है ना बेंचमार्क। क्या दिखा रहे हैं, तेरी लगी हुई क्या? अच्छा फोटो खींच रहा? नहीं भाई नहीं। मेरे को लगा फोटो दिखाएगा। ए सर पे तू बना हो ना, राम जाने दिखाइयो। आज तू राम दे यार, दिख रहा है अभी। सो भाई फिलहाल भैया रैप कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, निकल तो नहीं जाएगा ना ये ना। तू यही काम सीख लेना, आता भाई गौरव को तो। बस मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप भंडारा कब करा रहे हो ताकि गौरव आए? भाई साहब आज भंडारा कराना छोड़ दिया था अगस्त में। लास्ट टाइम तो नहीं हुआ ना, लास्ट ईयर हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं। भाई हमको कानो कान खबर नहीं थी, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं था। उठा दे कैसे लिया, फिर हेरा फेरी मूवी में नहीं होता भाई, और दो गन होती है उसके पास। सो गाइस चौक से आ चुके हैं, पकड़ ले इसने। दिखा दे भाई फिर क्या बात, हवा क्यों कर रहा है? क्या कह रहा है भाई? जिम चलना है, ऑब्वियसली चलेंगे भाई। सेकंड डे है, छाती देख बाहर आ गई, छाती बाहर आ गई भाई। कैप्शन में लिख दिया गौरव की आई छाती बाहर। ओ भाई ऐसे वियर्ड टाइटल नहीं रखता मैं, ना थंबनेल बनाता, छाती आई बाहर। ओ भाई शक्ल तो वियर्ड आई है किसकी? अच्छा ना, बहुत ज़्यादा सच बात बोल दी है, इसके बारे में मैं 100% एग्रीड हूँ। कर दी छोटी बात। ये भाई धरती में से सोना निकाल रहे हैं। मीट गाइस लाला द बदमाश। सबका ब्लॉग बना लिया भाई आज आदमी। चलो गाइस घर आ चुके हैं। सो दीदी इसको भाई अनरैप कर दिया, देख लेना एक बार। सो दूसरे वाला भी कर लिया है। एक सेकंड, ये क्या होते हैं? कंकड़ोरे। पैर पे बनते हैं या हाथों पे? राधे जी का था ये वाला, मेरा हाथों वाला है, पैरों वाला है? पैरों वाला है। तो भाई ये पैरों वाला है, ये जिया जी का है, ये दीदी का है। ये उनका खराब हो गया इसलिए। कैसे पता चला? उनका खराब है, मेरा सही है। अच्छा सो इनको ना वापस लेके जा रहे हैं, पूरा ना अच्छे से रैप करवा के लेके आएंगे, चमकीले जो रैपर होता है ना उसमें। सो गाइस दोनों फ्रेम देके ना वहीं के वहीं निकल जाएंगे भाई जिम के लिए। तो आज थोड़ा आपको ना अंदर से जिम दिखा देंगे कैसे करते हैं। रही बात वर्कआउट की, वो किसी ना स्पेसिफिक व्लॉग बनाएंगे आपके लिए कि गौरव कैसे करता है वर्कआउट। कुछ एक्सरसाइज कर गाइस, ये ना सो जाता है, फुल पानी पी लेगा देन सो जाएगा। सोना वापस से ना शॉप पे आए हैं एंड जो फ्रेम थे वहाँ रख दिए हैं। अभी इसको पता नहीं क्या काम है भाई, सारे काम आज याद आने थे भैया से, मुझे भी एंड तुझे भी। सो भाई फिलहाल नितिन घर पे जा रहा था, तो रास्ते में कुछ बच्चे मिले हैं। हाय। देखते हो मेरे व्लॉग्स? अच्छा क्या नाम है बताना। सो गौरव भी कपड़े चेंज करके आ चुके हैं। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू जिम गाइस। बढ़िया, 7:30 हो चुके हैं और अब आते आते पता नहीं भाई कितना टाइम हो जाएगा। सो फाइनली गाइस जिम आ चुके हैं भाई, सो लेट्स गो इनसाइड। आप कब आए भाई साहब? हमारा ना जो वर्कआउट है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आपको ना बीच बीच में दिखाते रहेंगे कि क्या कर रहे हैं। तो पहले साइकिलिंग करनी है, देन भाई वार्म अप करेंगे। सो गाइस साइकिलिंग हो चुकी है, अब करेंगे भाई वार्म अप। वर्कआउट करने हैं जिम के हवाले नहीं आया है? ठंडी हवा नहीं है तो वर्कआउट कर ले चुपचाप। A few moments later. So guys, जिम से आ चुके हैं भाई। So फिलहाल है भाई नितिन घर पे, तो काफी ना तगड़े वाला सीन हो गया भाई। क्या जो अपना वाला फोन है ना नया वाला यार, ये ना खराब हो चुका है, खराब इन द सेंस कि इसकी टच काम नहीं कर रही यार, पता नहीं गिरा भी नहीं था, मेरी जेब में था तो ये चल नहीं रहा यार। माउस डाल के OTG डाल के पे चला रहे हैं एंड साथ चेक करो गाइस, ये सब भी है माउस से चला रहे हैं भाई इसको। पता नहीं भाई इसमें क्या प्रॉब्लम होगी यार, लिटरली मेरा तो मूड ऑफ हो रखा है यार। फिलहाल पी रहे हैं भाई लिम का दी बोतल एंड बिकॉज ऑफ अंकल आंटी, थैंक यू अंकल आंटी देने के लिए भाई। छोटी सी ट्रीट हो चुकी है हमारी ये, तो साथ में क्या भाई चखना ये गर्मी के मजे। अच्छा फोन की पार्टी दिया भाई, मेरे को देनी चाहिए थी भाई दुबे। एक बार वो डायलॉग मार दे, मेला ग्राउंड में मेला लगा देंगे, मेला ग्राउंड में मेला लगा देंगे। तो गाइस फ्लैट टाइम हो चुका भाई, 10 बज चुके हैं एंड घर आ चुका हूँ गाइस। बाकी गाइस आपने देखा भाई शाम को मैंने ना कुछ
वर्कआउट का शूट किया था। सो अब ऐसे करेंगे भाई, कभी कभी मैं ना ऐसे पूरा व्लॉग भी डाल दूंगा कि हमने क्या किया कम्प्लीटली, पर वो ना कुछ जैसे 10-15 दिनों के बाद होगा। अभी तो मेरी ना जस्ट स्टार्टिंग ही कुछ जैसे एक्सरसाइज वगैरह चल रही है, एंड इसलिए मैं थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, दिखा देता हूँ कि हम जिम में क्या कुछ कर रहे हैं हम लाइक। सो हाँ, बाकी यही था फिलहाल करते इस व्लॉग को एंड। ये था आज का व्लॉग, आई होप क्या बोलो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं इस व्लॉग में, तो बाय, टेक केयर, बाय गाइस। हेलो, ले कौन बोलता है, कौन बोलते हैं, हम बोलते हैं, किससे बात करनी है, क्या मिलाया फोन। कभी देख सकता नहीं सारी।